टू माई चैनल, मैं काजल कुकिंग। आज मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाए हैं आलू के पराठे। तो चलिए हम देख ले रहे हैं किस तरह से आलू के पराठे बनाए हैं। पराठे के लिए सबसे पहले हम आटे को गूंथ ले। तो इधर मैंने 500 ग्राम आटे लिए हैं, आप मैदा भी ले सकते हैं। वैसे हम थोड़े सा नमक डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। हम इसे इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे तरीके से आटे को गूंथ लेंगे। जिस तरह से रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरीके से गूंथेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से आटे को गूंथ लिए हैं। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढककर। तब तक हम स्टफिंग बना ले रहे हैं, रेडी कर ले रहे हैं। तो इधर मैंने आलू को उबले हुए लिए हुए हैं और एक बॉल में इसे हम कद्दूकस कर लेंगे, या फिर आप इसे गिलास के सहारे से भी कर सकते हैं, पर हम इसमें गुठली नहीं रहना चाहिए, हम इसे कद्दूकस कर ले रहे हैं। इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि गुलठी ना रहे और मेरे पराठा फटे भी ना। तो देखिए मैंने आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें हम जमाइन मंगरेले को डालेंगे और इसमें धनिया पत्ते को डाल देंगे। धनिया पत्ते को डाल देंगे और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। तो पैन मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम दो चम्मच तेल डाल देंगे। हम अब इसमें हम दो हरी मिर्च काटे हुए हैं उसे हम डाल देंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फ्राई करेंगे एक मिनट के लिए नीचे। ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिलाकर इसे हम फ्राई कर लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब इसे हम एक बॉल में निकाल ले रहे हैं। तो आटे को मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब इसे मैं एक बार और अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो मेरा आटे अच्छे तरीके से मिल चुका है। अब इसे हम स्टफिंग करेंगे, पराठे बेल लेंगे। तो पराठे बेलने के लिए मैंने एक आटे के बॉल बना लेंगे। एक बॉल ले लेंगे। अब
अब इसे हम बेल लेंगे। इसे हम थोड़ा छोटा ही बेलेंगे, ज्यादा बड़ा बेलेंगे नहीं। बीच में थोड़ा साइड में थोड़ा पतला पतला करेंगे, बीच में थोड़ा हम मोटा रहने देंगे। अब हम इसे चम्मच के सहारे यहाँ पे आलू को रख देंगे और इसे हम इस तरीके से बना लेंगे। इसे एक जगह पकड़ के इस तरीके से दबा के इसे ऐसे घुराकर इसे आटे को निकाल लेंगे। इसे थोड़े से आटे में हम रोल कर लेंगे, इसे अच्छी तरीके से हल्के हाथों से बेल लेंगे। मैंने इसे बेल लिया है, अब इसे हम तवे पर सेक लेंगे। तो चल रहे हम गैस की तरफ। तो तवे को मैंने गैस पर चढ़ा लिया है, तवा मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पराठे को डाल देंगे। तवा मैंने एक तरफ से सिक जाने देंगे, तब उसे हम दूसरी तरफ पलटेंगे। तब इसे हम दूसरी तरफ से भी पलट ले रहे हैं, उधर से भी हम सिक जाने देंगे उसे। देखिए पलट कर हम देख ले रहे हैं, तो इस तरह से सिका है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। इसे हम दूसरी तरह से पलट देंगे। ये देखिए मेरा आलू का पराठा कितने अच्छे तरीके से फूल चुका है। इसी तरीके से हम सब सेक लेंगे आलू के पराठे को, इसी तरीके से बेलकर। अब ये मेरा हो चुका है, अब इसे हम निकाल ले रहे हैं। तो चलिए एक और हम आपको बेल कर दिखा दे रहे हैं। तो मैंने रोटी को इतना छोटा बेल लिया है, अब इसमें हम आलू को डालेंगे। अब इसे हम इस तरीके से करके बेलेंगे, इस तरीके से। इसमें ज्यादा जितना आटा एक्सेस होगा वो निकल जाएगा इस तरीके से। इसे हम बेल लेंगे हल्के हाथों से। इसे हम बेल लिए हैं, अब इसे हम तवे पर डाल देंगे। तो इसे हम तवे पे डाल दे रहे हैं। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी पलट लेंगे। से भी हम सीख जाने देंगे। तो देखिए इस तरह से भी मेरा सीख गया अच्छी तरीके से। अब इसमें हम तेल डाल देंगे। इसे भी तेल डालकर इसे हम ऐसे सीख लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो आपके फूल सब फूले फूले पराठे बनेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा।
वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो आप इस तरीके से बना नहीं पाएंगे पराठे को। पूरा फूला फूला पराठा आपका निकलेगा। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, ऐसी तरीके से सब पराठे को सीख लेंगे। इस तरीके से बना लिए हैं, देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी इस तरह से बनाना है तो आप भी मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप भी इस तरीके से बनाकर खाइए आलू के पराठे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर हम मिलेंगे एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो लेकर एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।